हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम मेयर। वी आर हेयर टू स्टडी द कलेक्शन ऑफ सीएसएफ, और वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ होता क्या है? इट इज द फ्लूइड सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो चारों तरफ में फ्लूइड होता है उसको हम सीएसएफ बोलते हैं। ये फ्लूइड क्लियर होता है, वोटरी लिक्विड होता है, जो हमारे सीएनएस को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, क्वेश्चंस इट फ्रॉम द सराउंडिंग बोन स्ट्रक्चर। हेयर इज रिटन दैट दिस फ्लूड इज क्लियर वोटरी लिक्विड दैट प्रोटेक्ट्स द सीएनएस फ्रॉम इंजरी एंड क्वेश्चंस इट फ्रॉम द सराउंडिंग बोन स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, प्रोटीन एंड डब्ल्यूबीसीज फ्रॉम इम्यून सिस्टम। इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। नाउ व्हाट इज द पर्पस? सीएसएफ को कलेक्ट करके उसे एनालाइज करने का हमारा पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस ऑफ सीएसएफ एनालाइज इज टू डायग्नोज मेडिकल डिसऑर्डर्स दैट इफेक्ट द सीएनएस। सीएनएफ मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम सीएसएफ को तब कलेक्ट करते हैं जब अगर कोई जो मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो नीचे मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, इन सबको चेकआउट करने के लिए हम सीएसएफ को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में एनालाइज करते हैं। वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ट्यूमर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, स्फाइलिस, अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ब्लीडिंग अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अ डिजीज दैट इफेक्ट्स द मेलिन कोटिंग ऑफ द नर्वस फाइबर्स, ग्लुएन बेरेन सिंड्रोम एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स। सैंपल कलेक्शन, सीएसएफ को हम कैसे कलेक्ट करते हैं? द प्रोसेस टू रिमूव द सीएसएफ इज कॉल्ड एज लम्बर पंक्चर और स्पाइनल टैप। जब हम सीएसएफ का सैंपल लेते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कौन से प्रोसेस से सीएसएफ को लेते हैं? हम लेते हैं लम्बर पंक्चर और स्पाइनल टैप से। इन रेयर केसेस सच एज स्पाइनल फ्लूड ब्लॉकेज, अगर स्पाइनल फ्लूड में ब्लॉक हो रखा है इन द मिडल ऑफ द बैक, बैक होती है जो वर्टिब्रेट्स में, वहां पे अगर ब्लॉकेज हो रखा है तो डॉक्टर में परफॉर्म अ स्पाइनल टैप इन द नेक। सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिब्रे नोन एज द L4-5 इज प्रेफरेबल बिकॉज द स्पाइनल कॉर्ड स्टॉप्स नियर L2 एंड द नीडल इंट्रोड्यूस बिलो दिस लेवल विल मिस द स्पाइनल कॉर्ड एंड एनकाउंटर्स ओनली नर्व रूट्स। कहाँ से लंबर पंचर हम कहाँ से करते हैं? L4-L5, ठीक है। नाउ लंबर पंक्चर टेक्स अबाउट 50 मिनट्स। लंबर पंक्चर करने में कितना टाइम लगता है? इट टेक्स नियर अबाउट 30 मिनट्स। इफ द पेशेंट हैज स्पाइनल एरिथ्रोसिस और एबेस ओबेस, इट मे बी नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस द स्पाइनल नीडल यूजिंग एक्सरे गाइडेंस। अगर पेशेंट को स्पाइनल एरिथ्रोसिस है या फिर ओबेस है तो हम लंबर पंक्चर करते टाइम में स्पाइनल नीडल जो इंसर्ट करते हैं उसमें हम एक्सरे की गाइडेंस से लंबर पंक्चर करते हैं। इन ऑर्डर टू गेट एन एक्यूरेट सैंपल ऑफ सीएसएफ इट इज क्रिटिकल दैट अ पेशेंट इज इन द प्रॉपर पोजीशन। हमें एक्यूरेट अगर सीएसएफ कलेक्ट करना है, स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है वो प्रॉपर पोजिशन में हो। ड्यूरिंग अ लंबर पंक्चर द डॉक्टर ड्रैप्स द बैक विद द स्टेरल कवरिंग। द डॉक्टर इंसर्ट्स अ होलो थिन नीडल इन द स्पेस बिटवीन टू इनवर्टिब्रेट्स ऑफ द लोअर बैक एंड स्लोली एडवांसेस इट टूवर्ड्स द स्पाइन। डॉक्टर इंसर्ट करते हैं एक होलो नीडल को टू वर्टिब्रेट्स के बीच में लोअर साइड ऑफ द बैक एंड स्लोली एडवांसेस इट टूवर्ड्स द स्पाइन। अ स्टेडी फ्लो ऑफ सीएसएफ नॉर्मली द कलर ऑफ वॉटर विल बिगेन टू फिल इन द नीडल एज सुन एज इट एंटर्स द स्पाइनल कैनाल। जैसे ही नीडल स्पाइनल कैनाल में जाएगी तो उसमें से सीएसएफ धीरे धीरे फिलअप होने लगेगा नीडल के अंदर, क्योंकि वो होलो एंड होलो होती है ना, जो नीडल हम इंसर्ट करते हैं वो होलो होती है, फिर जो कलर फ्लूड होता है वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। द डॉक्टर मेजर द सीएसएफ प्रेशर विद द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कोल्ड है मैनोमीटर। मीन्स मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर डॉक्टर सीएसएफ के प्रेशर को मेजर करते हैं। हियर इज रिटन दैट डॉक्टर मेजर्स द सीएसएफ प्रेशर विद द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ मैनोमीटर एंड
विड्रो सेवरल वायल्स ऑफ फ्लूड फॉर लैब एनालाइज। लैब एनालाइज के लिए जो हम CSF कलेक्ट करते हैं उसका प्रेशर मेजर करते हैं डॉक्टर, और उस एक वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है उसका क्या नाम होता है, मैनोमीटर। पेशेंट्स कैन परफॉर्म देयर नॉर्मल एक्टिविटीज बिफोर अ लंबर पंक्चर। आफ्टर द प्रोसीजर द डॉक्टर कवर्स द साइट ऑफ द पंक्चर विद अ स्टराइल बैंडेज। जैसे ही हम CSF को कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में डॉक्टर वहां पे बैंडेज अप्लाई कर देते हैं, और बैंडेज स्टराइल होना चाहिए। सैंपल कलेक्शन, हेयर इज द डायग्राम, इट शोज ये वर्टिब्रेट्स के बीच में जो स्पेस है यहाँ से हम CSF को कलेक्ट करते हैं। इट शोज दिस इज द बेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF इन द स्पाइनल कैविटी, दिस ब्लूइश कलर, एंड दिस इज द स्मॉल नीडल। इन लंबर पंक्चर आफ्टर द एरिया इज कलेक्टली नम्ब विद लोकल एनेस्थीशिया। लंबर पंक्चर करने के लिए हमें लोकल एनेस्थीशिया देना पड़ता है पेशेंट को। अ स्मॉल नीडल इज स्लिप बिटवीन नॉट इन टू द बोन्स ऑफ द स्पाइन बिलो वेयर द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ एंड्स, देर इज नो रिस्क ऑफ पैरालाइसिस। इसके अंदर पैरालाइसिस का कोई रिस्क नहीं होता। इस CSF कलेक्ट करने टाइम में रिस्क क्या क्या होते हैं, वॉट आर द रिस्क फैक्टर्स। फॉर मोस्ट पीपल द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ CSF इज हेडेक। जो मोस्टली पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है CSF कलेक्ट करने के बाद में वो क्या होता है, हेडेक होता है। 10 to 30% ऑफ अडल्ट पेशेंट्स, 10 से 30% अडल्ट पेशेंट्स को हेडेक की प्रॉब्लम होती है, अप टू 40% ऑफ चिल्ड्रन। इट इज कॉज्ड बाय डिक्रीज CSF प्रेशर, और ये क्यों होता है, क्योंकि CSF प्रेशर कम हो जाता है। अ स्टिफ नेक एंड नोजिया में अकंपनी द हेडेक। एलपी हेडेक टिपिकली बिगेन्स विद इन 2 days आफ्टर द प्रोसीजर एंड परसिस्ट फॉर फ्यू डेज टू सेवरल वीक्स। जैसे ही हम CSF को सैंपल लेते हैं उसके 2 दिन बाद में हेडेक स्टार्ट हो जाता है, और या फिर वो सेवरल वीक्स तक रह भी सकता है। कंट्रोल ऑफ पेन बाय सेवरल मेडिकेशंस कंटेनिंग कैफीन। उसको कंट्रोल करने के लिए हम सेवरल मेडिकेशंस लेते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कंटेनिंग कैफीन। प्रिकॉशंस, एलपी टू विड्रो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ CSF फॉर एनालाइज में लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। लंबर पंक्चर से हम थोड़ा सा सैंपल लेते हैं CSF का सिर्फ एनालाइज करने के लिए, लेकिन उससे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। एलपी शुड बी परफॉर्म्ड विद एक्सट्रीम कॉशंस। पीपल हु हैव ब्लड क्लोटिंग और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, एलपी कैन कॉज ब्लीडिंग एट डेट कंप्रेस द स्पाइनल कॉर्ड। जिन पेशेंट्स को ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, तो लंबर पंक्चर से उन्हें ब्लीडिंग भी हो सकता है, डेट कंप्रेस द स्पाइनल कॉर्ड। CSF लैब एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ द CSF कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन when there is a reason to suspect there has been trauma or a non-traumatic insult to the CNS. CSF जब हम एग्जामिन करते हैं तो उसे डायग्नोस्टिक मतलब इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं अगर किसी को ट्रॉमा हो सकता ट्रॉमा होता है CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई ट्रॉमा होता है तो CSF फ्लूड लेने से, एनालाइज करने से उससे हमें इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जो कि हम हेल्पफुल होती है चेकआउट करने के लिए ट्रॉमा CNS में। डिसऑर्डर्स डेट कैन बी इवेलुएटेड बाई एग्जामिनेशन ऑफ द CNS आर इंटरक्रेनियल हेमरेज इन्फेक्शन, स्कैलरोसिस, ग्लुएनबेरे सिंड्रोम एंड न्यूरोस्फेलिसिस। एनालाइज क्या करते हैं हम, लाइक अदर बॉडी फ्लूड्स द CSF प्रोवाइड्स अ सैंपल फॉर एनालिसिस डेट ऑफ्टन रिवील्स बायोकेमिकल एंड सेलुलर चेंजेस रिफ्लेक्टिव ऑफ डिजीज प्रोसेसेस। एनालाइज ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल ऑफ्टन प्रोवाइड्स द एविडेंस नीडेड बाय द फिजिशियन टू इनिशिएट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। मतलब जो फिजिशियन होते हैं उनको मे बी अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन दे देता है, अगर CSF का हम एनालाइज करते हैं तो फिजिशियन को अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए पता चल जाता है कि उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करना है पेशेंट को, CSF उसमें हेल्पफुल करता है, हेल्पफुल होता है सॉरी। कलर एंड अपीयरेंस, CSF कैसा दिखता है उसकी अपीयरेंस क्या होती है। नॉर्मल CSF शुड बी क्लियर एंड कलरलेस। जो नॉर्मल CSF होता है वो कलरलेस होता है और क्लियर होता है। एनी
कलरेशन और क्लाउडियस ऑफ द सीएसएफ इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल। अगर कोई कलर है उसके अंदर क्लाउडीनेस है तो वो एबनॉर्मल सीएसएफ माना जाता है। हेयर इज रिटन एनी कलरेशन और क्लाउडीनेस ऑफ द सीएसएफ इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल। ओके, कलर्स ऑब्जर्व इंक्लूड व्हाइट और कलर सॉरी कलर्स ऑब्जर्व इंक्लूड व्हाइट और पिरलसेंट रेड पिंक ऑरेंज एंड येलो। रेड ऑफ पिंक इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। अगर रेड और थोड़ा पिंकिश कलर का सीएसएफ हमें दिखाई पड़ता है तो वो किसकी वजह से होता है? इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ द ब्लड। नॉर्मल सीएसएफ किस कलर का होता है? क्लियर एंड कलरलेस। अगर उसके अंदर थोड़ा रेडिश या पिंकिश कलर इंडिकेट होता है तो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड।